18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं रविन सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। बदायूं जिले के थाना बीरगंज क्षेत्र के गांव बीरमपुर में 25 वर्ष युवक की हत्या। थाना बीरगंज क्षेत्र पुरानी रंजिश को लेकर जंडेल सिंह यादव की हत्या कर शव को जंगल में फेंक। सूचना मिलने पर पहुंचे मां के मृतक युवक की पहचान अपने बेटे के रूप में ही युवक के गले में गमछा से फंदा लगाकर हुआ था और पैरों पर बांधने के निशान भी मिले थे। मृतक के परिवारों का बोलना है कि युवक के पैरों को किसी से बांधा गया था। पैरों को बांधे जाने के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस की जांच कर रही है, जबकि परिजनों का कहना यह भी है कि घटना स्थल पर किसी सिपाही ने बताया कि घटना की सूचना 4 बजे मिल गई थी। मृतक युवक के भाइयों ने बताया कि कुछ समय पहले गांव के एक अन्य बिरादरी से हमारी रंजिश चल रही थी और काफी दिन पहले हमारे चाचा के साथ और मारपीट की थी, जिसका मुकदमा बचीरगंज थाने में पंजीकृत है। वही परिजनों ने यही भी बताया कि हम इस लोगों के खिलाफ थाने में नाम दर्ज तहरीर दी है और फिलहाल सभी आरोपी फरार है। वही दूसरी ओर मृतक के भाई का कहना यह भी है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस कहीं न कहीं इस घटना को बदलने में लगी हुई है और घटना स्थल पर थाने की सिपाही के द्वारा मृतक के भाई को यह बताया गया कि इसकी सूचना 4 बजे थाना में पहुंच गई थी, जबकि परिजनों ने उनको कोई जानकारी नहीं दी। फिर भी पुलिस कांस्टेबल ने बताने पर बजीरगंज थाने के दरोगा द्वारा कांस्टेबल को डांट दिया गया और उसे कहा कि यह कह रहा है कि इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि थाना पुलिस को पहले ही इस घटना का जानकारी थी। फिर भी बजीरगंज थाना पुलिस ने 4 घंटे देरी से घटना स्थल पर पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात हुई? उसे घर से वो वीरपाल का लड़का बुला के ले गया, फिर नहीं पता मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिल का लड़का वीरपाल ठाकुर का। क्या नाम था उसका? सोनू। कब बुला के ले गया? शाम। ये क्या मालूम साहब, उन्होंने ही फोन किया है आरोपियों ने। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने हमारे लिए पुलिस वालों ने बताया था सबके सामने। कुछ बता सकते हैं कौन पुलिस वाला था? अब ये हम तो नहीं बता सकते, पहचान तो लोगे, अब हम तो इतना ना पहचान पाएंगे, कई लोग थे पुलिस वालों। बदायूं से राम प्रजापति की रिपोर्ट।